अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सटर्नल डुप्लीकेट कंटेंट के बारे में। तो एक्सटर्नल डुप्लीकेट कंटेंट वो होता है जिसमें कोई दूसरी वेबसाइट आपका कंटेंट चोरी कर लेती है, मतलब आपकी आपका आर्टिकल वगैरह कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर लेती है या उसका कोई पोर्शन। तो इसको फाइंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका आप मैनुअली चेक कर सकते हैं। मैनुअली चेक करने का ये तरीका है कि आप इसे किसी एक लाइन को कॉपी करें और डबल क्वोटेशन में एंटर करके सर्च कर दें, तो जहाँ जहाँ पे ये पोस्ट हुआ है वो सारे आपको शो होने लग पड़ेंगे। तो ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये आर्टिकल इस टाइम पोस्ट हुआ हुआ है। तो इसको एक और तरीका जो है वो है स्मॉल SEO टूल्स। ये टूल आपकी हर लाइन को वर्ड बाय वर्ड चेक करता है और कंपेयर करता है दूसरी वेबसाइट से। डबल क्वोटेशन के ज़रिए ये चेक करता है कि किसी ने आपकी वेबसाइट के पैराग्राफ वगैरह ना कॉपी कर लिए। तो अगर आप URL से चेक करना चाहते हैं तो URL यहाँ पे लिखें। अगर आपको राइटर ने दिया है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें 2500 की लिमिट है, इस वजह से हम मैन्युअली कुछ कॉपी करेंगे यहाँ से। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लूड में इसका URL एंटर कर देंगे और चेक प्लेगरिज्म। तो अब ये लाइन बाय लाइन इन्हें चेक करेगा। कंपेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जिन्होंने कॉपी किया हो। ये हमें बताएगा कि कौन सी लाइन कॉपी हो चुकी है और कौन सी नहीं। यहाँ से मैच सोर्सेज से हम देख सकते हैं किसने हमारा कितना ज़्यादा कॉपी किया है। इसके अलावा कुछ राइटर इस तरह करते हैं कि वो स्पैन करके आपको दे देते हैं। उसको चेक करने का ये तरीका है कि आप कॉपी स्केप के अंदर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये जिन जिन वेबसाइट्स ने आपका कॉपी किया है या जहाँ से आपके राइटर्स ने कॉपी किया है, तो ये वो सारी वेबसाइट्स शो होने लग पड़ेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपका आर्टिकल किसी ने टोटली तौर पे कॉपी कर लिया है तो उसका तरीका ये है कि आप गूगल DMCA टेक डाउन कर सकते हैं। इसमें आप रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमारा इसमें आप URL एंटर करेंगे गूगल सर्च। यहाँ से कॉपीराइट और यहाँ से आई एम द कॉपीराइट ओनर अदर क्रिएट रिक्वेस्ट। तो अब यहाँ से ये सारा फिल करेंगे आप। इधर जिसने कॉपी की है उसके बारे में बताएंगे, जो आपका है आपके पेज का URL है उसके बारे में बताएंगे। तो उसके बाद गूगल जो है वो उसे रिमूव कर देगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अल्लाह हाफिज़।